वहीं फिरोजाबाद पुलिस ने खूंखार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने केरल में व्यापारी सहित उसके पूरे परिवार को कुल्हाड़ी और चाकूओं से बड़ी ही बेरहमी से काटकर मार डाला था। यह हत्याएं लूट के इरादे से की गई थी। यह आरोपी केरल में रहने वाले व्यापारी के घर नौकरी करने गया था। 16 मई की रात इसने व्यापारी, उसकी पत्नी और उसके बेटे को कुल्हाड़ी से काट डाला था। वारदात के बाद घर में रखे हुए कीमती सामान और ज्वेलरी को लूट कर फरार हो गया। पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुबह शाम मेरे को टॉर्चर करता था और मैं नाइट में सुबह जागने में लेट होता था तो मेरे को गाली देता था। वो उस दिन उसने थप्पड़ भी मारा, गाली भी दिया, तो मैंने उसे कुल्हाड़ी से बात की। कितने लोगों को मारा? 3 लोग। कौन कौन थे? वो था उसकी माँ, फिर उसका बाप था। सुबह उठे 17 तारीख में ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक फिरोजाबाद का नौकर था, वहाँ लॉन्ड्री का कारोबार करती थी, उनके साथ नौकरी करता था लगभग 1.5 माह से। वहाँ नौकरी के दौरान ही उससे कुछ कहा सुनी हो गई घरवालों से, उसके बाद उसने वहाँ उनका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वहाँ से ज्वेलरी और कुछ कैश और उनका कपड़े, एक अटैची बैग लेकर भाग गया है वहाँ से।